85,000 में टोटल वर्किंग आईडी दे दो। 2,90,000 रुपए में अगर तुम्हारे यूट्यूबर का कोई कस्टमर तुम्हारे थ्रू आया, बैठक में निगोशिएशन हो जाएगा। 10.5 लाख रुपए इन्होंने बोले। इसका 2,90 रेट है, इसको फाइनल दे देंगे अपन 2,70,000। सिर्फ 90,000 में दे दोगे? 90,000। 1,25,000 में ये भी गाड़ी ले लो। हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्डर मैशमेंटी। देखिएगा, यहाँ पर जब हम लोग आए ना, दो दो शॉप से इनके, इसलिए आपको इनके बार बार वीडियोस देखने मिल रहे हैं। इनके टोटल 3 वीडियो शूट हुए हैं, 2 कमर्शियल के लिए हैं और 1 कार के लिए, ठीक है। तो अभी ये कार वाला स्पेशल वीडियो रहने वाला है। इस शॉप का नाम कुछ अलग है। जब जाते वक्त चौका से हम फुलमरी जाते वक्त हमने लेफ्ट साइड में इनका मराठवाड़ा नाम का शॉप देखा था। अभी ये महाराष्ट्र नाम का शॉप है, राइट? और ये महाराष्ट्र राइट साइड में पड़ता है चौका से फुलमरी जाते वक्त। ये जो है तो ऑफिस एग्जैक्ट बिल्डा फाटे पे है। आगे अपने जो मराठवाड़ा था वो फुलमरी के हद तक था, अभी बिल्डा फाटे पे। ओके, ये सिर्फ इसके अंदर कारें बताई जाएंगी और अच्छी अच्छी कारें बताई जाएंगी। लास्ट टाइम के कार प्लस कमर्शियल का जो ब्लॉग था उसके अंदर थोड़ी कम कीमत वाली गाड़ियाँ थी तो उस तरीके उनकी क्वालिटी, मगर ये वाली गाड़ियाँ अभी बहुत बेहतरीन कंडीशन के अंदर दिखाई देंगी। तो सर बताइए, पहली गाड़ी ये जो गाड़ी है इनोवा 2009 का मॉडल है। ये अपन ने अपने फैमिली के वास्ते यूज़ करने लिए थे, लेकिन अभी अपने को देना है। ये 2009 का मॉडल पेपर क्लियर में 4,60,000 में अपने को देना है। ओके, 4,60,000 में। बाहर से पूरी टोटल मॉडिफाई करी हुई है, फुल स्क्रीन है, लेजर का कुशन है, टायरों चारों टायर बटन है, ओरिजिनल पेंट में गाड़ी, औरंगाबाद ट्रांसफर। ओके, तो ये सारी रही इसकी बातें। अभी ये जो गाड़ियाँ इन्होंने बताई है ना आपको, तो वो सारी गाड़ियाँ मतलब जो टॉप एंड वाले फीचर्स आते हैं ना, वो भी उन्होंने डाल के लिए उसके अंदर। बाकी टॉप एंड वाले फीचर्स की बात आ रही है तो यहाँ पर जो लग्जरियस प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ ये DRL नज़र आ रहा है ना, और ये XUV का जो टाइगर नोज ग्रिल है ये भी बहुत खूबसूरत है, और ये गाड़ी का रोड प्रेजेंस भी बहुत खूबसूरत है। ऊपर सनरूफ आपको नजर आएगा, तो प्लीज बताइए इस गाड़ी के बारे में। ये XUV में सबसे महिंद्रा का सबसे टॉप मॉडल है, W10। yes. XUV 500 W10 मॉडल है। ओके, हाँ, ये MH12 पुणे है, लेकिन औरंगाबाद ट्रांसफर करी हुई है। ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है, और ओनर सेकंड ओनर गाड़ी है। हाँ, उसके बाद में अंदर बाहर से चारों टायर जो है तो इसके वुडलैंड के ओरिजिनल है, जो बोलते हैं ना गुडियर के, गुडियर के टायर है उसके चारों टायर। अभी पिछले मंथ में डाले, इसका रेट है 10.5 लाख रुपए। थोड़ा निगोशिएबल अपन कर लेंगे बैठक में। बैठक में निगोशिएशन हो जाएगा, 10.5 लाख रुपए इन्होंने बोले हैं। बाकी यहाँ पर गाड़ियों पे लोन भी हो जाता है, राइट? बिल्कुल, लोन करा के देंगे अगर तो। लोन करवाने के लिए सर कितने, कौन से ईयर के सामने चाहिए? 2010 2012। 2012 के ऊपर का अपने को मॉडल लेना पड़ेगा अगर उसके ऊपर अपने को लोन करना है। ओके, चलेगा। तो बाकी इस गाड़ी के बारे में, अभी ये दो है तो परमिट, ये 2017 की गाड़ी है एक्सेंट, इसको अपने को 1.5 लाख रुपये में अपने को फाइनल ये गाड़ी आएगी अपने को फाइनल। ओके, 1.5 लाख रुपए में फाइनल में ये गाड़ी आ जाएगी। बाकी ये डीजल पेट्रोल? डीजल गाड़ी है, 25 का एवरेज गाड़ी देती है, एक्सेल गाड़ी। ओके, हाँ, कस्टमर को अगर कम रेट में गाड़ी चाहिए तो ये बेस्ट गाड़ी रहेंगी उसके लिए। ओके, तो ये ट्रैवल्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो आप लोग ले सकते हो। बाकी इस गाड़ी के बारे में बात करूँ तो ये वोक्सवैगन ब्रांड है जो कि जर्मन मेड है। इसका इंजन और इसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, तो बताइए। ये वोक्सवैगन की विंटो है, 2013 का मॉडल है। हाँ, इसका रेट है 3,25,000 रुपये। थोड़ा निगोशिएबल अपन कर लेंगे थोड़ा बहुत बैठक में। पेंट ओरिजिनल है, पेपर क्लियर है, MH12 है, औरंगाबाद ट्रांसफर। डीजल गाड़ी 20 के ऊपर एवरेज होती है। तो कितना फाइनल करोगे इसका? इसको दे देंगे अपन 3 लाख रुपये, 2,90,000 रुपये में। अगर तुम्हारे यूट्यूबर का कोई कस्टमर तुम्हारे थ्रू आया तो 2,90,000 रुपये में तुम्हारे वास्ते गाड़ी छोड़। बस, ये लग्जरियस गाड़ी 2,90,000 बोल दिए, छोड़ दिए आपके लिए, अगर आप ऑटो MH20 फैमिली से बिलोंग करते हो तो। बाकी MH28 बुल्ढाना पासिंग के अंदर, बुल्ढाने वाले लोगों के लिए ये लोकल पासिंग हो सकती है। वैसे भी बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर बुल्ढाना से बिलोंग करते हैं, तो प्लीज़ बताइए सर। ये गाड़ी कल ही आई मेरे पास, 2011 की गाड़ी है, CR4 गाड़ी है। इसका रेट है 1,40,000 रुपये, इसको फाइनल अपन दे देंगे 1,25,000 रुपये। ओके, 1,25,000 में ये भी गाड़ी ले लो। उसको दो जो एडिशनल लाइट आ रहे हैं ना नीचे, वो ज़्यादा प्रोजेक्शन देने के लिए है। बाकी ये वाली गाड़ी है, ये भी टाटा की तरफ से आती है। टाटा पहले से ही देखिए बिल्ड क्वालिटी में कितना टफ है, मारुति सुजुकी अभी तक भी ये वाली बिल्ड क्वालिटी नहीं दे पाए। ये है ओल्ड मॉडल, लेकिन इसकी कंडीशन जो है तो 10-12 के मॉडल से ऊपर की। 2006 का मॉडल है, कम रेट में अगर किसी को गाड़ी चाहिए तो गाड़ी दे देंगे अपन उसको 85,000 रुपये में फाइनल। 85,000 में डीजल? डीजल गाड़ी 85,000। ये इंडिगो CS है क्या? इंडिगो CS है। तो डिक्की भी आता है इसको, लग्जरी है, सब डीजल विजल AC VC सब चल रही गाड़ी, पूरा चल रहा है, पूरा टोटल वर्किंग। 85,000 में टोटल वर्किंग गाड़ी दे दो, डीजल। क्या बात है। चलो, नेक्स्ट वाला व्हीकल हम लोग देखेंगे।
तो यहाँ पर जब आते हैं ना, यहाँ पर वैगन आर गाड़ी नज़र आती है, और ये वैगन आर का ये सेकंड जनरेशन था जो कि बहुत अच्छे तरीके से पॉपअप होकर निकलता था। बताइए सर, ये गाड़ी पेट्रोल गाड़ी है, 2009 का मॉडल है, पेपर वगैरह क्लियर, चारों टायर बटन है। ओके, ये गाड़ी AC VC सब शील्ड है। 125,000 रुपये में दे दी, और थोड़ा बहुत निगोशिएबल कर लिया। थोड़ा बहुत निगोशिएबल हो जाएगा, 125,000 बोल दिए। अभी यहाँ पर है ना कुछ वैन्स खड़ी है, उनके बारे में हम लोग जानकारी ले लेंगे, मगर वो सारी वैन्स बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बोर्ड बताना चाहता हूँ। तो जब आप सामने आते हो तो यहाँ पर बोर्ड बता दीजिएगा, ये महाराष्ट्र वाहन बाज़ार का बोर्ड है। महाराष्ट्र वाहन बाज़ार मैंने फिर से एक बार बोल दूँ, चौका से तो फुलमरी जाते वक्त राइट साइड में लगता है, ये वाला बोर्ड आप देख पाओगे, कहीं से भी आप समझ पाओगे। तो सर ये इको गाड़ी है, इसे शुरुआत कर ली। ये कार लाइन में इको जो है तो सबसे अभी मार्केट में ज़्यादा चलने वाली गाड़ी है। ओके, इको 2012 का पेट्रोल प्लस LPG है, 2012 का मॉडल है, इसको दे देंगे अपन 2,40,000। ओके, 2,40,000 में। नेक्स्ट वाला व्हीकल देखेंगे, इको, वो कौन सा वाला, CNG LPG? इको LPG। LPG इको था, पेट्रोल LPG। ओके, इसके बाद बताना। 2012 की स्विफ्ट डिजायर। ओके, ये टॉप मॉडल है, ZDI। हाँ, इसका रेट है 3,50,000 रुपये, निगोशिएबल थोड़ा कर लेंगे। टॉप मॉडल VDI के बाद का मॉडल है ZDI। ओके, ZDI, इसमें भी निगोशिएबल गाड़ी है, डीजल एकदम टॉप कंडीशन में, इंजन सब टॉप कंडीशन में गाड़ी है। अभी ये वाला डिजायर है ना, अभी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको ट्रैवल का बिजनेस करना है ना, कम से कम रेट के अंदर मिलने वाली एक ऐसी गाड़ी जो ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज देती है, तो इसके बारे में कैसे? 7-सीटर में अगर कोई गाड़ी चाहिए तो अपने पास गाड़ी खड़ी हुई है, 2008-09 का मॉडल है, बोलेरो। हाँ, अगर कोई मतलब जो ओल्ड लोग रहते हैं उनको शौकिंग रहते हैं बोलेरो के, हाँ, तो उसके वास्ते ये गाड़ी है, एकदम कंडीशन में गाड़ी है। इसका 2,90 रेट है, इसको फाइनल दे देंगे अपन 2,70,000 रुपये, पेपर क्लियर है गाड़ी। ओके, चलेगा। MH20 गाड़ी है, पेपर क्लियर है, तो बोलेरो आपके लिए रहेगी, शॉर्ट वाली बोलेरो है। इसके बारे में बताइए, ब्लैक स्कॉर्पियो अगर चाहिए आपको, अभी मार्केट में ब्लैक स्कॉर्पियो बहुत चल रही, ये गाड़ी का रेट है अपने फाइनल, इसको 3,500 बोलते हैं, थोड़ा बहुत निगोशिएबल कर लेंगे, 2010-11 का कच्चे पक्का मॉडल है। और अगर इसको लेने के बाद में 1,50,000 रुपये अगर आपने खर्चा करके उसको अपने ऐसे लियोन टाइप भी बना सकते। क्या बात, तो अभी ये जो गाड़ी है ना सर, तो इसका फाइनल क्या कर दोगे? ये फाइनल दे देंगे अपन उसको 3,25,000 रुपये। 3,25,000 सिर्फ हमारे कस्टमर के लिए, मतलब ऑटो MH20 के सब्सक्राइबर के लिए, तो प्लीज़ क्या कर लीजिए। और भी बहुत सारी गाड़ियाँ बाकी ऐसी कुछ बेहतरीन डील्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब अंदर आते हैं ना, अंदर के साइड में यहाँ पर एक वाइट कलर के अंदर इनोवा है जो कि सेकंड जनरेशन रहेगा, फर्स्ट जनरेशन वाला इनोवा गोल्ड कलर के अंदर मिलेगा, और अगला जो है वो फिएस्टा है जो कि बहुत अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया गया है। तो पहले इस गाड़ी की डिटेल से बात, ये 2009 का मॉडल है, इनोवा वी मॉडल है, दो मॉडल आते हैं इसमें, एक जी मॉडल आता है, एक वी मॉडल आता है, ये दोनों मॉडल अपने पास वी गाड़ी पे है। इसका जो है तो 4,90,000 रेट है, थोड़ा बहुत अपन निगोशिएबल इसमें रेट में कर लेंगे। ओके, निगोशिएबल कर देंगे, 4,90,000 बोला है। अभी इस गाड़ी के पास जब आते हैं ना हम लोग, तो ये गाड़ी जो है ये गोल्ड कलर वाली, ये फर्स्ट जनरेशन है, यहीं से इनोवा थोड़ा सा पॉपुलर हुआ था। हाँ, ये गाड़ी 2011 की गाड़ी है। ओके, हाँ, ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है, गोल्डन कलर जो है तो मार्केट में ज़्यादा चलने वाला गाड़ी है। हाँ, 5,40,000 रुपये बोलते हैं, थोड़ा बहुत कर लेंगे। 5,40,000 बोलते थोड़ा बहुत कर लेंगे। अभी यहाँ पर जब आती ये यही वाली मैं गाड़ी बोल रहा था, एक्चुअली इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए, बस ये जो हुड है ना इसको ब्लैक कर दिया गया है, वो भी मैट वाला, और बहुत ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आ रही है। एक्चुअल में ये कलर मेरे को, ऑरेंज वाला कलर मेरे को कभी पसंद नहीं आया, मगर जब से मैंने ये देखा है ना ब्लैक वाला मॉडिफिकेशन इसके ऊपर, मेरे को समझ ज़्यादा अभी यही कलर पसंद आ रहा है। फोर्ड की फिएस्टा अगर आपको लेना है, ये गाड़ी पेट्रोल गाड़ी है, 2006 का मॉडल है, बजट में अगर गाड़ी होना तो ओनली सिर्फ 90,000 रुपये में गाड़ी आपको मिल जाएगी। सिर्फ 90,000 में दे दोगे? 90,000 में। और थोड़ा भाव बताओ, थोड़ा बहुत अगर आपका आंडी भाई का नाम अगर आंडी भाई का नाम बोल दीजिए ना, तो और थोड़ा डिस्काउंट कर दो, और थोड़ा हो जाएगा। ऑटो MH20 का भी नाम बोल देना, मेरा भी नाम बोल देना, नाम ही नाम और काम भी हो जाएगा। सर ये जो गाड़ी है ना, इसके इंटीरियर के बारे में अगर बात करूँ तो क्या लाविश है, जैसे अभी स्पोर्ट कार आप देखते हो उसके लेजर का क्वेश्चन रहता है, सब बातें रहती है, तो टोटल अवेलेबल है गाड़ी। क्या बात है यार, बेहतरीन, मेरे को तो पसंद आई। अभी हमारे पास में यहाँ पर स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो स्पोर्ट्स तो नहीं बोल पाऊंगा, मगर यहाँ पर वरना अवेलेबल है हमारे पास में। अभी ये जो हुंडई का वरना है ना, तो ये भी इनका घरेलू ही गाड़ी आप समझ सकते हो। वरना मेरे पास दो मॉडल खड़े हुए हैं, एक जो है तो बाहर गई हुई है। हाँ, मेरे को लगता है वो इसकी अगली है। हाँ, वो 2014 का टॉप मॉडल है, अभी ये जो देख रहे हैं अपनी 2012 का है, बेसिक मॉडल ही है, ये इसके 4,25,000 रुपये बोलते, थोड़ा बहुत निगोशिएबल कर लेंगे। 4,25,000 बोलते, उसमें भी थोड़ा बहुत निगोशिएबल हो जाएगा। तो अभी जो है यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं, आप वो गाड़ी हटा देना वहाँ से, हम लोग बता देंगे, पहले हम लोग ये दो गाड़ियाँ कवर कर लें। तो यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो MH36 के अंदर 6054, तो ये वैगनर गाड़ी है, वैगनर पेट्रोल गाड़ी, अगर किसी को चाहिए वैगनर,
तो ये गाड़ी है 2015 की, आपने जो देखी पहली वो 2009 की थी। ऊंचे मॉडल में अगर आपको चाहिए तो 2015 की गाड़ी खड़ी हुई है मेरे पास। इसका 3,15,000 रुपये रेट है, थोड़ा बहुत बैठक में निगोशिएबल हो जाएगा। 15 के एंड का मॉडल है, ओरिजिनल पेंट में गाड़ी, अच्छी गाड़ी। ओके चलेगा, ये ओरिजिनल पेंट के अंदर की गाड़ी मिल गई। भाव ताव करने वाले हैं अभी। ये वाली व्हीकल थोड़ी स्पेशल हो जाती है इनके लिए, क्योंकि हमारे लिए इनके पास जो व्हीकल है ना बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर यूएस से कुछ लिखा है ये बिली, इसका लास्ट टाइम मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो वो जाकर भी आप देख सकते हो। तो बताइए इसका क्या है? ये जो है तो विलीस है, 2005 का मॉडल ही है, इसको फुल्ली मॉडिफाई करी हुई है। ओके, चारों टायर आप इसके बटन डाले हुए हैं। इसका रेट है 4,90,000 रुपये। इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा निगोशिएबल नहीं होगा, थोड़ा बहुत निगोशिएबल करके अपन इसको दे देंगे। और इसके कुछ पेपर का आपने बोला तो वो फिर से बोल। हाँ, पेपर मेरे पास ओरिजिनल पेपर पड़े हुए हैं, लेकिन उसके पेपर ड्यू है, बनाना है तो उसको अपने को अलग से उसका चार्ज लगेगा। अलग से एक चार्ज लगेगा मगर पेपर बन जाएंगे, राइट। अब ये हार्ले डेविडसन भी उसी ब्लॉक के अंदर हमने बताई थी, क्योंकि ये वाला एकलौता व्हीकल है इनके पास। इनका पर्सनल व्हीकल था मगर अभी इनको नई गाड़ी परचेस करनी है दूसरी कोई। ये गाड़ी अभी वो बोर हो गई यूज़ करके, अक्सर आप बदलते रहते हो शायद। जी बिल्कुल, मेरे पास एक स्पोर्ट बाइक हमेशा रहती है। अभी इसको जो है 2014 का मॉडल है, 2,25,000 रुपये में अपने को इसको देना है, थोड़ा निगोशिएबल करके दे देंगे। दो लाख 25,000 बोल दिया, मैं ज़्यादा घिसूंगा नहीं इसको, क्योंकि ऑलरेडी ये गाड़ी कवर हो चुकी है। यहाँ पर जब हम लोग आएंगे ना तो यहाँ पर मेरा उस टाइम का फेवरेट कलर जो था ना डिज़ायर के अंदर, वो वाला कलर यहाँ पर अवेलेबल, क्योंकि इसका इंटीरियर पूरा ब्लैक कलर में आता है और ये थोड़ा सा ब्लूइश टाइप ग्रे कलर है कुछ तो भी। बताइए सर, ये वीडिया है मॉडल 2011 का, इसका रेट है 2,80,000 रुपये, थोड़ा बहुत निगोशिएबल हो जाएगा। 2,80,000 में ले लेना। बाकी लोन वोन का क्या है इसका? लोन हो जाएगा ना उसके ऊपर 1.5 लाख रुपये में हो जाएगा। ओके, हो जाएगा। अभी इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे। ये जो है तो इंडिका विस्टा है, MH20 गाड़ी है, ये भी जो है तो कड़क गाड़ी है 2011 की। इसकी जो है तो 1,30,000 रुपये बोलते हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर लेंगे। ओके, 1,30,000 में कम हो जाएगा, 1,30,000 के अंदर भी कम होने वाला है। यहाँ पर देखना स्विफ्ट, मारुति सुजुकी की स्विफ्ट जो है 2009 का मॉडल है, डीजल गाड़ी है, 9 की एंडिंग की गाड़ी है, दिसंबर महीने की, 1,90,000 बोलते हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाएगा, ये हो गया। अभी ये हमारे ब्लॉक की आखिरी कार है, यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल का भी एक व्लॉग है जो मैं फिर से शूट करूंगा, मगर इसके लिए विस्टा जो पहले आपने देखे ना वो सेम वही मॉडल वही रेट है, कोई इशू नहीं है। वो भी MH20, ये भी MH20। ठीक है, अभी ये वाले व्हीकल के बारे में जानकारी दे दी, तो आप प्लीज़ ये सारे जितनी भी गाड़ियाँ हमने अभी तक बताई है ना, वो सारे के अंदर थोड़ा सा जो हमारे दोस्त लोग हैं जो कि सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, आपके कॉल करेंगे तो उनको अच्छे से रिस्पांस करना। बिल्कुल बिल्कुल, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और मेरा नाम डाल दीजिए। हाँ, क्योंकि हमने जो गाड़ी बाहर से बताई है सर, कुछ लोगों को अंदर से देखना होता है, कुछ लोगों को मैकेनिक लाकर चेक करना होता है, कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि हम इतना बजट लेकर आएंगे तो आपके पास गाड़ी है क्या, तो प्लीज़ हाइपर ना होते हुए प्लीज़ हमारे दोस्तों को अच्छे से जवाब देना। बिल्कुल, आपने पास जो है कस्टमर के हिसाब से अपने पास व्यवहार होते रहते हैं, जैसे आपका कस्टमर का बजट है वो हिसाब से कस्टमर को गाड़ी मिलती है और अच्छी गाड़ी मिलती है। तो अच्छी गाड़ी है या नहीं आप चेक भी करवा पाओगे आपका मैकेनिक लाकर, इतना इनका ट्रस्ट है। बाकी थैंक यू सो मच इस व्लॉग के लिए सर, अभी मिलते हैं हम दूसरे व्लॉग के अंदर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।